अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम एक और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल की बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट मॉडल अगेन हम स्क्रीन पर एक फिगर के जरिए से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सोशल एंटरप्राइज है और उसके अंदर उसकी टारगेट पॉपुलेशन है और मार्केट है सोशल एंटरप्राइज का मिशन जो है वो हाई बैरियर जो पॉपुलेशंस होती हैं जिनको मार्केट में एंट्री में बैरियर्स हों उनको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज फ्राहम करना है हाई एंट्री बैरियर पॉपुलेशन से क्या मुराद है ये वो पॉपुलेशंस होती हैं जो कि आम मेन स्ट्रीम नॉर्मल लोगों की तरह कहीं भी एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकती फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल विद डिसबल ख़ास तौर पर फिज़िकल डिसबलिटीज़ कि उनको एक मॉडिफाइड इन्वामेंट की जरूरत होती है काम करने के लिए और आम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड नहीं होती कि वो वहाँ पर उनको अकोमोडेट किया जा सके एक्स ऑफेंडर्स वो लोग जो कभी किसी जुर्म में रहे हों कैद रहे हों जेल काटी हो अब उन्हें इस वजह से कोई काम न देता हो कि ये पता नहीं अभी तक मुजरमी है या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो अब पता नहीं क्या करे काम करे या ना करे कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे इसी तरह यंग डिलिंक्वेंट्स है एट रिस्क पॉपुलेशन जिन्हें कहा जाता है उसमें ड्रग का रिस्क हो सकता है उसमें क्राइम का रिस्क हो सकता है और इस तरह की और पॉपुलेशन जेंडर आइडेंटिटी के हवाले से पॉपुलेशन हैं जिनको लोग आसानी से एब्सॉप नहीं करते जॉब्स नहीं ऑफर करते तो सोशल एंटरप्राइज का मिशन ही और उसका बिजनेस ही ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करना होता है और वो फिर इस एम्प्लॉयमेंट के जरिए से उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मार्केट करता है सोशल एंटरप्राइज लोगों को ना सिर्फ ट्रेनिंग कोचिंग और एजुकेशन सर्विसेज देता है जिनके बैरियर्स हैं कि उन बैरियर्स के साथ कैसे काम करना है बल्कि मार्केट को एक्सप्लोर करता है और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जॉब की उनको देखता और एंटरप्रेन्योर्स को या मार्केट में जो बिजनेसेस हैं उनको अपने आप को इस काबिल बनाने इस तरह से कंड्यूसिव बनाने के काबिल बनाता है कि वहाँ पर स्पेशल नीड्स के साथ लोग जो हैं वो काम करने के काबिल हो जाए वो जो सपोर्टिव इन्वामेंट है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है उसका मिशन ही उसका बिजनेस है और उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो उसको मिशन को एकम्प्लिश करने में इन्वॉल्व है अगर आप हाई बैरियर एंट्री पापुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दिला सकेंगे तो जो वो कमीशन आपको मिलेगा उसके ज़रिए से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल एंटरप्राइज को सस्टेन कर सकते हैं यूँ इन ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल एंटरप्राइजेस की जो सस्टेनेबिलिटी है वो थोड़ी सी रिस्क होती है वलनरेबल होते हैं ख़ास तौर पर उन सिचुएशंस में जहाँ के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए स्टार्टअप मनी या सीड मनी की ज़रूरत हो तो सोशल एंटरप्राइज के अपने ऐसे कोई रिसोर्स नहीं है जहाँ से वो इस तरह की फंडिंग जनरेट कर सके बल्कि उसको ग्रांट्स या डोनेशंस पर इहसार करना पड़ता है ऐसी सूरत में बाजुकात उसको अपने मिशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कि कोई कहे कि हम आपको फंडिंग तो करेंगे लेकिन मिनिमम डिसेबिलिटी के साथ अगर कोई है तो आप उसको ये कर दें आ, काम शुरू कर दें या उसको एम्प्लॉय करा लें ऐसे में जो ज़्यादा वलनरेबल हैं इन पॉपुलेशन में से वो लोग फिर भी रह जाते हैं तो अमूमन ये सोशल एंटरप्राइजेस अपने मिशन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इसलिए ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते इसी तरह इसका एक और चैलेंज जो इस इस एंटरप्राइज को होता है वो उसकी स्केलेबिलिटी का है एक तो पीपल विथ स्पेशल नीड्स या हाई बैरियर जो हैं वो पॉपुलेशन कम हैं उनका नंबर कम होता है या वो विजिबल नहीं होती इस लिहाज से इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल अचीव नहीं की जा सकती दूसरी तरफ मार्केट जो है एम्प्लॉयमेंट मार्केट वो भी इतनी कंड्यूसिव नहीं है अगरचे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लेजिस्लेशन एनेबलिंग लेजिस्लेशन हो गई है कोटाज़ हैं इस तरह की पॉपोलेशन के लिए मुख्तफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं सोशल वेलफेयर और दीगर ऑर्गनइजेशन की तरफ से लेकिन फिर भी उस तरह ओपन मार्केट नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए जिस तरह के नॉर्मल मेन स्ट्रीम पॉपोलेशन के लिए इस लिहाज से भी इस एंटरप्राइज को स्केलेबल करना या उसकी स्केलेबलिटी जो है वो मुमकिन नहीं होती अमूमा इस तरह के एंटरप्राइजेस ज़्यादा लंबा अरसा काम नहीं करते ये प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं कुछ अरसा किसी ख़ास पॉपुलेशन को एम्प्लॉबल बनाने के लिए काम किया इनपुट्स दी उनकी ट्रेनिंग की उनको सपोर्टिव एनवायरमेंट फ्राहम किया बिजनेसिस को एम्प्लॉयमेंट मार्केट को मॉडिफ़ाई किया उसको एजुकेट किया कि इस तरह के लोगों से काम करवाने के लिए क्या ज़रूरत होती है किस किस्म के फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क स्टेशन को इम्प्रूव करना अगर एक्स उफेंडर्स हैं तो लीगल प्रोविजंस क्या हैं प्रोटेक्शन के हवाले से अप किस तरह से है ये सारी चीज़ें करने के बाद जब वो पॉपुलेशन जो है वो एडजस्ट हो जाती है तो ये इंटरप्राइज अमूम ख़त्म हो जाते हैं बहुत कम ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स मिलती हैं जिनमें ये इंटरप्राइज जो हैं वो सस्टेनेबल और एक ख़ास लंबा अर्सा जो है वो चल सके इस किस्म की जो एंटरप्राइज़ हैं उसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं अगरचे काफ़ी हमारे पास फील्ड्स में मौजूद हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो स्केलेबल नहीं हैं अमूमन कैफेज़ बुक स्टोर्स जिसको कहते हैं लैंडस्केपिंग इस तरह के काम हैं जिनमें इस तरह की पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल आपको मिलती है जहाँ किसी ने एक होमलेस लोगों के लिए उनको खाना फ्राहम करने के लिए एक छोटा सा सेटअप शुरू किया कि लोगों को फ्री मील्स मिल सकें और रात गुजारने के लिए एक बेडिंग जो है वो अवेलेबल हो होमलेस लोगों ने इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने फूड जो है उसकी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया कि खुद कुकिंग और क्लीनिंग और इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व हुए आहिस्ता आहिस्ता ये इनिशिएटिव इतना बड़ा कि अब होमलेस लोग जो हैं वो एक फ़ुल फ्लैज रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हासिल हो रहा है उससे ना सिर्फ वो अपने लिए बेडिंग लॉजिंग फूड और दीगर अपनी ज़रूरिया पूरी कर सकते हैं बल्कि वो उसमें से प्रॉफ़िट कमा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी जो है उसमें एक पॉजिटिव सोशल चेंज आया है तो ये जो मॉडल है सोशल एंटरप्राइज का हम कह सकते हैं कि ख़ास किस्म की पॉपुलेशन की खास नीड्स को पूरा करने के लिए एक टाइम बाउंड मॉडल जो है वो ये है और कुछ ख़ास फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशन है यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है स्केलेबल एप्लीकेशन इसकी नहीं है और ये बात अंडरस्टूड है समझ आती है कि अगर आपने एक ख़ास पॉपुलेशन को थोड़ा बेहतर बनाना है उसको ज़िंदगी को अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए आप स्केलेबिलिटी पे सस्टेनेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं थैंक यू